कि ये कांग्रेस है, राम के अस्तित्व को नकार सकती है तो बाकी क्या करेगी, ये तो कांग्रेस है, ये इस हिंदुत्व पर हमेशा इसने प्रहार किया है, हिंदुत्व को लेकर हमेशा से इन्होंने हिंदुत्व को अपमानित करने का काम किया है, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छी बात है कि कम से कम प्रधानमंत्री के केदारनाथ आने के बाद इन्होंने शिवालयों में जल चढ़ाने का कार्यक्रम तो रखा, वरना तो आप जानते हो कि कभी कभी जब अब थोड़ा सा इनमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा था, कहीं ये जनेऊ दिखाते थे, कहीं अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए मंदिरों में जाना, लेकिन जो सच्चाई है वह कभी कभी सामने आ ही जाती है, सलमान खुर्शीद के रूप में सामने आई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उनका जवाब देना चाहिए कि जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो ठीक है या नहीं है, यदि ठीक है तो उनका चरित्र यही है, नहीं है तो सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई करें। को इसमें सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया जी को और प्रियंका जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आप जाके आप जहाँ हिंदू मंदिर है आप अपने गोत्र वगैरह बोल के उच्चारण करके आप हिंदू बोलते हैं और कई कई जाके आप हिंदू आचरण का दिखाव करते हैं और हम भी हिंदू है, हम भी प्रो हिंदू है, ऐसे भी आप लोग भाषण देने का और उपदेश देने का कोशिश करते हैं, सलमान खुर्शीद के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले हैं ये बताइए देश को। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड श्रीमती सोनिया गांधी टू स्पेल आउट व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक अगेंस्ट दिस मैन हु हैज इंसल्टेड द एंटायर हिंदू फीलिंग एंड इवन ही हैज इंसल्टेड द हिंदुत्व। हिंदुत्व इज नॉट ए जस्ट ए कास्ट, इट इज नॉट ए रिलीजन, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। हिंदुस्तान इसको महात्मा गांधी जी से लेके उनके ही पार्टी का बहुत लोग जो वरिष्ठ लोग थे वो लोग इसको हिंदुस्तान ही बोलते थे, वो हिंदुस्तान का हिंदुत्व अपमान करना, हिंदुओं को अपमान करने के लिए सलमान खुर्शीद के ऊपर आप एक्शन लेने वाले हैं क्या, ये प्रश्न को उत्तर देना चाहिए। जोशी जी एक सवाल, उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।